पीपल्स पार्टी का हैदराबाद में सियासी पावर शो, शहीद बेनजीर भुट्टो की साहबजादी आसिफा भुट्टो जरदारी की जेरे क्यादत हैदराबाद में रैली, पूरा शहर उमंड आया। शहरियों की बड़ी तादाद ने आसिफा भुट्टो का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। शहर जिए भुट्टो और जिंदा है बीबी जिंदा है के नारों से गूंज उठा। आसिफा भुट्टो जरदारी हाथ हिलाकर जियालों के नारों का जवाब देती रही। सिंध हुकूमत शहर कायद के बासियों को बेहतरीन सफर की सहूलियात मुहैया करने में पेश पेश। पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस के एक और रूट का आगाज हो गया। गुलशन हदीद से मलीर कैंट तक 36 किलोमीटर रूट पर बसें चलेंगी। रूट के लिए 20 बसें मुख्तस की गईं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध NRTC और दीगर ने रूट का इफ्तिताह किया। अब्दुल हलीम शेख बोले, कराची के मजाफाती इलाकों में भी पीपल्स बस सर्विस की सहूलत दे रहे हैं। वजीर तलात सिंह शर्जील मेमन कहते हैं, नफरत की सियासत इमरान खान का वतीरा बन गया। जिसे ये पंजाब का नंबर वन डाकू कहते थे, इसे वजीर आला बनाना चाहते हैं। अगर इमरान खान ने झूठ बोला था तो परवेज इलाही से सरेआम माफी मांगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे और PTI शिवसेना बनती जा रही है। PTI पाकिस्तान के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रही है। डॉलर की ऊंची छलांग तमाम रिकॉर्ड क्रॉस कर गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 226 से तजावुज कर गई। डॉलर 4.52 रुपये मजीद महंगा, कीमत 226.51 रुपये पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की माशी सूरतेहाल पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में इक्तसादी टीम और मईशत से मुतालिक आला हुकाम शिरकत करेंगे। डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे के अवामिल और इससे निपटने के लिए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। इक्तसादी टीम माशी सूरतेहाल और रुपये के कदर में कमी की वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। पिछले 3 महीनों में अप्रैल में और जून में हमने कोशिश की कि हम इंपोर्ट कम करें। जून में हमको कुछ कामयाबी हुई, लोकल इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15%, लेकिन इंपोर्ट कम कर लिया हमने 15% नॉन एनर्जी का, लेकिन एनर्जी की कीमतें क्योंकि बहुत बढ़ चुकी थी इसलिए एनर्जी का इम्पोर्ट बहुत तेज़ी से बढ़ा और पिछले महीने भी 120% एनर्जी का इम्पोर्ट बढ़ा। रुपए की मौजूदा गिरावट माशी बुनियादों की वजह से नहीं, रुपए के कदर में कमी सियासी इंतशार की वजह से है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तवक्को है चंद रोज में रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। ऐसी चीजें नहीं करेंगे कि IMF मुहैदे में खलल पड़े। वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक के पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। एक दोस्त मुल्क $1 अरब स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करें। इमरान खान साहब के किराए के तर्जमानों की खाना जंगी है, जो ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये बार बार झूठ बोलते हैं, इसके खिलाफ हम अपनी जंग जारी रखेंगे। हम हकायक आपके सामने रखते रहेंगे। तो मुफाद चौधरी साहब ने हमेशा अपने मफादात देखे हैं। उनका पूरे का पूरा करियर, ख्वाह वो तर्जमानी में हो, ख्वाह वो वजारतों में हो, ख्वाह वो वकालत में हो, उनका पूरे का पूरा करियर इसी बुनियाद पर आया। मुस्लिम लीग नून 2018 में माशी शरह नमू 6% पर छोड़ कर गई। इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। इमरान खान के दौर में कर्जों और गुरबत में इजाफा हुआ। PTI दौर में ज्यादातर इम्पोर्टेड वजीर खजाना तायनात रहे। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए मईशत और तवानाई बिलाल अजहर कियानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फवाद चौधरी की मफादात की एक तारीख है। मफाद चौधरी ने हमेशा अपने मफादात देखे। MPS को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। इस सब के पीछे मरकजी किरदार जरदारी है। आसिफ अली जरदारी अपने करप्शन पर NRO लेता है, चोरी के पैसे से लोगों को खरीदता है।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का इल्ज़ाम, ट्वीट में बोले, ये जमहूरियत पर ही नहीं हमारे समाज की अखलाकी बुनियादों पर भी संगीन हमला है। अदालत उज़्मा ने लोटों को ताहयात ना अहल किया होता तो इसकी रोकथाम हो सकती थी। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि एमपीए को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशेष सर्कल है जो पाकिस्तान में आसफ़ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तोहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई। रहीम यार खान से हमारा एमपीए 40 करोड़ लेकर तुर्की पहुंच गया। मसूद मजीद को आसिफ अली जरदारी ने पैसे दिए। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का इंकशाफ, बोले सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दे दी है। तख्ते लाहौर पर तहरीक इंसाफ का हक है, हमारे पास 188 मेंबरान मौजूद हैं। अदालत ने रावलपिंडी की सीट पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया है, उम्मीद है हमारी सीटें 15 से बढ़कर 17 हो जाएंगी। फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें, ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को चौधरी मसूद जिनका नाम है 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। वज़ीर दाखला पंजाब अतातारर मसूद मजीद का इस्तीफा मंजर आम पर ले आए। बोले 3 अप्रैल को चौधरी मसूद ने तहरीक इंसाफ से नाला होकर इस्तीफा दिया। हलफ उठाकर कहता हूँ, चौधरी मसूद को पैसे नहीं दिए। फवाद चौधरी भी हलफ दें। फवाद चौधरी 5 जमातें बदल चुके हैं, इनकी कमाई में 1 पैसा हलाल का नहीं। अभी एक इस्तीफा आया है, हो सकता है मजीद आ जाए। इलियास चिन्योटी को मोना सिलाही ने पैसों की ऑफर दी। फवाद चौधरी की इस बात से ये बात आया है, वाजह हो जाती है कि शायद पीटीआई के अपने मेंबर्स परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते हैं। इमरान खान की जानिब से ये इस बात का एतराफ़ है, जब वो कहते हैं कि जी मेंबर्स को ऑफ़र हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के मेंबर्स उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। अब ये अगर इनकी आपस की लड़ाई है और ये अपने मेम्बर्स को नहीं संभाल पा रहे हैं तो इसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली जरदारी साहब पर या किसी और शख्स या जमात पर लगा कर ये अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने जो बातें और इल्जाम लगाए वो झूठे और बेहुदा हैं। आया हो गया कि पीटीआई के बहुत से अरकान परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते। आपसी लड़ाई का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी या किसी और पर लगाकर जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर सिंध सईद गनी का रद्द अमल, बोले मईशत सियासी अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार इमरान खान हैं। इमरान खान खुद भी आइन शिकन, सदर स्पीकर डिप्टी स्पीकर से भी आइन शिकनी करवाई। चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए काफिली के उम्मीदवार हैं। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। बोले जिन्हें मैंडेट मिला हुकूमत करना इनका हक है, किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे सफाई पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुल्क के मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए। क्या बयान दिया? उन्होंने कहा है कि हम आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, खुले दिल से हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। तो अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? फिर जो आपके जो जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और IB है, वो हरकत में क्यों है? बैरिस्टर सरजीत सवाती साहब ने मेरे बिहाफ पे ये रिट दायर किया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इतना ही वोट पे हक है, जो कि 32 बिलियन 31.5 बिलियन डॉलर लीगल भेजते हैं।
हमने परवेज इलाही के साथ मिलकर चलना है, हमें अददी अक्सरियत हासिल है। मरियम नवाज ने खुले दिल से शिकस्त को तस्लीम किया। जब शिकस्त तस्लीम कर ली तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी का तंज। शेख रशीद बोले, कल नहीं तो परसों परवेज इलाही वजारत आला ओहदे का हलफ उठाएंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है, जहां इमरान खान होंगे हम इनके साथ होंगे। पंजाब के अंदर हमें 11 वोटों की लीड हासिल है। जमहूरी तौर पर नून लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, बेगम सफदर आवान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। टीआई के हम 5 से ज्यादा बंदे गायब कर देंगे। अब ये जो उसने बयान दिया, इसके 3 मफहूम हैं। या तो वो बंदे मार देंगे, या वो बंदों को अगवा कर लेंगे, या वो बंदों को खरीद लेंगे। पंजाब में हमें 11 वोटों की बढ़तरी हासिल है, फैजुल हसन चौहान का दावा। बोले, पीटीआई से कचरा निकल गया, अब सच्चे अरकान बाकी हैं। नून और मीम लीग ने शिकस्त तस्लीम कर ली, शीन लीग ने नहीं की। अगर ये लोग इस तरह करेंगे तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुतासिर होगा। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन राणा सनाउल्ला के बयान को नोटिस लें। रावलपिंडी के हलका PP7 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। अदालत की पीटीआई उम्मीदवार को 21 जुलाई को इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत। रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन के फैसले तक नतायज मुरतब करने से रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त पर समाअत करे और फैसला सुनाए। अदालत के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का TIP का दौरा। FWO के जदीद तरीन टेलिंग इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। कमर जावेद बाजवा को पोलियो मुहिम और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने पोलियो मुहिम के इकदाम को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की पोलियो टीमों को इजाफी सिक्योरिटी, हसास मकाम पर इजाफी अफराधी क़ुव्वत फराहमी की हिदायत। हुकूमत का वजारत खारजा के साथ इंतहाई तासुबाना रवैया। पाकिस्तानी सिफारतकारों को बैरून मुल्क दिए जाने वाले फॉरन अलाउंस पर टैक्स लगा दिया। पाकिस्तानी सिफारतकारों की तनख्वाहों पर पहले ही टैक्स कटौती होती है। महंगाई के बावजूद 11 साल में फॉरन अलाउंस में कोई इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत ने वजारत खारजा के अफसरान का एग्जीक्यूटिव अलाउंस भी बंद कर दिया। अफसरान का तासुबाना रवैये पर हड़ताल पर जाने पर गौर। श्रीलंकन पार्लियामेंट में सदर के इंतखाब का अमल। 6 बार वजीर आजम रहने वाले रनैल विक्रम सिंघा नए सदर मुंतखब। खबर एजेंसी इदारे के मुताबिक नए श्रीलंकन सदर का इंतखाब खुफिया बैलेट के तहत हुआ।